ईशा के लिए अभिषेक रोए फूट फूट कर। अभिषेक ने रखी ईशा के नाम की ये निशानी। वर्ल्ड सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के वार एपिसोड में हमें देखने को मिला। ईशा के एविक्शन से अभिषेक काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। अभिषेक और मुनव्वर आपस में बैठकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं, जहां पर मुनव्वर फारूकी कह रहे होते हैं कि ईशा उन्हें स्ट्रांग लगती थी और मुनव्वर को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ईशा इतनी जल्दी शो से निकल जाएंगी। उन्होंने उन्हें टॉप 5 में तो समझा था क्योंकि वो उनकी कॉम्पिटिशन थी, पर मुनव्वर ये भी कहते हुए नजर आए कि अच्छा हुआ ईशा चली गई क्योंकि वो उन्हें अपना कॉम्पिटिशन मांगते थे। वल अभिषेक कहते हैं कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। वल मुनव्वर अभिषेक से सवाल करते हैं क्या वो ईशा को अपना कंपटीशन नहीं समझ रहे थे। इस पर अभिषेक कहते हैं कि मैं ऑलरेडी फिनाले में हूँ, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा, मैं ऊपर की बातें सोच रहा था। वल मन्नारा भी कहती हुई नजर आती है कि मुझे अंकिता से ज्यादा स्ट्रांग ईशा लगी थी और मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी। वल यहाँ पर अभिषेक और विक्की अंकिता मिलकर ईशा का सारा सामान स्टोर रूम में रखते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर अंकिता लोखंडे ईशा का हेयर बैंड अपने पास रख लेती हैं ईशा की निशानी के तौर पर। वेल अभिषेक भी विक्की और अंकिता के स्टोर रूम से बाहर जाने के बाद ईशा की कुछ चीजें अपने पास रखते हुए नजर आते हैं और उसे छुपाकर अपने कमरे में रख लेते हैं। वेल अभिषेक कोने में रोते हुए नजर आते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं नहीं चाहता था तू जाए, मैं चाहता था कि तू टॉप 5 में रहे। अभिषेक दोबारा ईशा से माफी भी मांगते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर कह रहे होते हैं कि भले ही ईशा यहाँ पर टॉप 5 में ना रही, लेकिन उन्हें पक्का पता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करने वाली है, अपने करियर में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा करेंगी। इस बात को लेकर अभिषेक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की बात भी कहते हैं। पर अभिषेक ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ईशा के जाने से मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मेरे अंदर अब उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रही है जो कि पहले थी। बोल अभिषेक के ईशा के बारे में कही इन बातों पर आपका क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।